फितरत की गोद में आबाद झारखंड के छात्रा जिला के कंडा गांव में वाका सूफी बुजुर्ग बाबा हजरत दाता अमीर अली रहमतुल्ला अलैह की दरगाह है। मजहबी हम आहंगी, भाईचारा, रवादारी, प्यार मोहब्बत और अमन अमान की बेमिसाल अलामत है। मुल्क भर के कोने कोने से आने वाले अकीदतमंद बिला मजहब व मिल्लत इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं। पहाड़ों और जंगलात में घिरा होने के बावजूद हजरत बाबा अमीर अली रहमतुल्ला अलैह के मजार पर बेशतर औकात अकीदतमंदों का हजूम रहता है। अठारह सौ इकतालीस में यहाँ बाबा आए और आए तो यहाँ अच्छा रहेगा, यहाँ रहना शुरू कर दिया। 1856 तक 15 साल वो जीवित रहे हैं, इलाके में घूमे टहले। ये जो बना वो मकान देख रहे हैं, ये अपने से बनाए उन्होंने और अपने से बना कर इसमें हयात रहे वो 15 साल जीवित अपने। उसके बाद यहाँ जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद यहीं उनको दफन कफन किया गया। वो बोले कि हमको यहीं दफन कफन कर दोगे और कहीं ले जाना नहीं है, यहीं रहें। और उसके बाद वो अपने जीवित में भी एक से एक करिश्मात दिखलाए। यहाँ नदी आया हुआ है, पानी रोक देना, या यहाँ भी है नज़र आ रहे हैं, दूसरी जगह भी नज़र आ रहे हैं। जिस दिन उनका कार्यक्रम हो रहा है, जो हम लोग के यहाँ चल ये होता है चहलुम जिसको बोलते हैं कुरन खानी, यहाँ कुरन खानी हो रहा है, जंगल में देखे गए शिकार खेलते हुए। शिकार खेलने के बहुत शौकीन आदमी थे। अकीदत मंदों का ये अकीदा है कि इस दरगाह पर सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी रायगा नहीं हो जाती है और यहाँ से अल्लाह ताला के हुजूर में उठने वाले हाथ खाली नहीं लौटते, जिसकी वजह से इस दरगाह की अहमियत और बढ़ जाती है। दिमागी अमराज में मुब्तिला बहुत से लोग भी मज़ार पर आते हैं और ख्याल किया जाता है कि वो 40 दिन तक यहाँ क़याम और दुआ करने से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मैं भी बहुत परेशान था वालदा को लेकर के, कई जगह गया, कितने मौलाना लोग से दिखाया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुआ। मौलाना लोग और भी इस प्रकार के इसे हट कर जो दिखाते थे तो मतलब और ज़्यादा जोर हो जाता था। बहुत परेशानी, कितने जगहों से मतलब हार करके पता चला कि नहीं यहाँ, हालांकि जानते थे लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए। मैं पहली बार आया हूँ, करीब 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन आने के बाद जो है माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल हो रहा है, पहले से बहुत फ़ायदा है। मैं यहाँ साल में 2 बार इंशाल्लाह आ ही जाता हूँ, इसलिए कि बाबा से मेरा इतना लगाव है कि यहाँ दिल से बहुत ज़्यादा लगाव है। जो हमने यहाँ आकर के मुरादे मैंने मांगा वो पूरा हुआ और पूरा होने के बाद हमारा घर खुशहाल है, माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और मेरा दिल चाहता है कि बस बाबा का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग यहाँ आते ही रहें, जब बुलावें तब आए। सूफी बुजुर्ग के तई अकीदत मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से ताल्लुक रखने वाले अकीदत मंदों को मुकद्दस मज़ार की तरफ खींचती है। अगरचे हिंदू मुत्तकी लोगों के कदमों को अक्सर बाकियों से बड़ा समझा जाता है, उनकी यात्रा के एक हिस्से के तौर पर उनके मजाहिब से कतई नज़र अकीदत मंद हिंदू और मुसलमान भाइयों के घरों पर बिला तफरीक क़याम करते हैं, जबकि वो बदले में सखावत का मुजाहिरा करते हैं और उन्हें जबरदस्त मेहमान नवाजी का तजुर्बा करते हैं। कहा जाता है कि हजरत बाबा अमीर अली रहमतुल्ला अलैह ने 1841 में काबुल से यहाँ आने के बाद तकरीबन 15 साल तक अपनी रूहानी कुव्वतों से इंसानियत की खिदमत की और मनातो और कंडारा रियासतों के बादशाहों ने हाजिरी दी थी और उनके इलाही और रूहानी सिलसिले को सराहा था। ये रवायत आज भी जारी और सारी है।
यहाँ 70% हिंदू समाज के लोग आते हैं, इसलिए कि यहाँ कुंदा बगल में कुंदा स्टेट था, दुर्गा पूजा में और रामनवमी में कुंदा स्टेट और मनातू स्टेट दो स्टेट बगल में है, कुंदा और मनातू दोनों के राजा यहाँ दुर्गा पूजा के पहले या हर पर्व के पहले आके अपना चादर चढ़ाते थे बाबा के यहाँ, और तब यहाँ जनता की चादर चढ़ती थी। आज भी सरकारी चादर पहले चढ़ती है तब लोगों की चढ़ती है, तो दोनों स्टेट के राजा यहाँ आते थे तो जनता भी आती थी, इसीलिए यहाँ रामनवमी में भी यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, इसीलिए क्योंकि रामनवमी में पहले वो लोग आके यहाँ पूजा कर लेता था तब अपने घर पर पूजा करते थे लोग, तो इसी श्रद्धा से यहाँ लोग हिंदू समाज का आना जाना ज्यादा है और मुस्लिम भी लोग आते हैं और जो लोग मुराद लेकर आता है पूरा होता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। बाबा हजरत दाता अमीर अली रहमतुल्ला अलैह की हयात तैयबा का मकसद ऐन भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाना था, खल्क को खालिक से जोड़ना, उनके अंदर तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को बंदगाने खुदा से रोशन करना ही आप रहमतुल्ला अलैह का कारनामा रहा है। सदियों से ये बाबा हजरत दाता अमीर अली रहमतुल्ला अलैह जैसे सूफी बुजुर्गों की वजह से हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में एक अटूट बंधन को फरोग दिया और परवान चढ़ाया कि मुख्तलिफ अकायद रखने वाली बिरादरियों के दरमियान अमन और भाईचारा महफूज रहा है, जबकि ये विरासत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। समस्या यही था कि तबीयत मेरा ख़राब था, डॉक्टर इलाज कराते कराते थक गया, कुछ नहीं सुना दवाई। बाबा के पास आने से सबसे पहले तो बीमारी ठीक हुआ, कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, एक दवा शुगर का खाते हैं अभी, वो भी छूट जाएगा बाबा का इंशाल्लाह। बाबा का दुआ सुबह शाम छूट जाएगा, बाबा का बहुत बड़ा कृपा है, मेहरबानी बहुत बड़ा, जो मांगते हो मिल जाता है। निजाम हस्ती चला रहा है। हिंदुस्तान में परवान चढ़ने वाली कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और मखलूत तहजीब को उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि यहाँ फरूग पाने वाले सूफी सिलसिलों को नहीं समझा जाता। इन सूफी सिलसिलों ने अजीम इस्लामी सल्तनतों की सकाफती राहों के तायुन में कलीदी किरदार अदा किया है। जब भी मजहबी बालादस्ती का गलबा होता है तो तहजीब का फरोग रुक जाता है। किसी भी तहजीब की तरक्की के लिए दकियानूस रवायात की बेखकनी और आजादाना और दानिशवराना फिक्र के फरोग की जरूरत होती है। सूफियाई किराम इस्लाम और कुरानी तालीमात की रूह पर जोर देते थे, यही सबब है कि वो लोगों की रूहानी इस्लाह में कामयाब होते थे। नजर भी रखे भी। क्या कर सोतस क्या कर हरदस फरदस लिखित हो उन सोरी। फसल गुल दौरे खजां में क्या करूंगा देखकर, सब तो है लिखा गया फर्द अजल में बेशतर। जगमगा रहा।